दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि एरोप्लेन का सफर बहुत ही आरामदायक होता है, पर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह एरोप्लेन जितना आरामदायक है उतना ही खतरनाक भी है। एरोफ्लोट फ्लाइट 593 जो कि मॉस्को से हांगकांग के लिए रवाना हुआ था, इस जहाज में 63 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। कुछ देर बाद पता चला कि यह जहाज कैमेरोवा ओब्लास्ट रशिया में क्रैश हो चुका है। अगले दिन जब दुर्घटना की जांच हुई तो उन्हें ब्लैक बॉक्स मिला जो कॉकपिट में रखा रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है। जब आखिरी में इसकी जांच हुई तो सभी लोग दंग ही रह गए। ब्लैक बॉक्स से यह पता चला कि प्लेन अपने शुरुआती कुछ घंटे अच्छी तरह बिना किसी परेशानी के उड़ रहा था, पर जब पायलट कुदिंस्की ने ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट कर दिया तो उन्होंने अपने 12 साल की बेटी याना और 16 साल के बेटे एल्डर को रूल्स के खिलाफ जाकर कॉकपिट में बुला लिया। कुछ समय बाद एल्डर ने अपने पापा से पूछा, क्या मैं कंट्रोल कॉलम में बैठ सकता हूँ? तो कुद्रिंस्की ने बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल दिया, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड में था तो उसे प्लेन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। पर जब एल्डर ने कंट्रोल्स पर ज्यादा ही फोर्स लगाया तो प्लेन ऑटो पायलट मोड से मैनुअल कंट्रोल में आ गया, जिसके कारण अचानक प्लेन धीरे धीरे राइट की दिशा में झुकने लगा और कुछ ही मिनट में वह पूरी तरह उल्टा होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट ने प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की परंतु प्लेन ज्यादा ही नीचे आ चुका था और आखिर में वह अलर्ट होकर पहाड़ से टकरा गया। इस हादसे में कोई भी नहीं बचा, क्रू के साथ साथ सारे पैसेंजर्स भी मर गए थे।